गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णू गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः शांति शांति शांति। आदरणीय चव्हाण साहब सरोजबेन पधारे हुए नए और पुराने साधकों को मेरा प्रणाम। मैं सुलेखा सूर्यप्रकाश चौधरी राजकोट से बोल रही हूँ। मेरी उम्र 60 वर्ष है। यह भोजन प्रथा मैंने फरवरी 2013 में शुरू की। मुझे काफ़ी बीमारियाँ थी। मेरे पति डॉक्टर हैं। मुझे काफ़ी तकलीफें थी, छोटी मोटी तकलीफें थी, परंतु मुख्य तकलीफ वजन 89 केजी, हाई बीपी 20 साल पुराना 120-120 तक रहता था। दवा लेने पर 160-100 तो रहता ही था, नॉर्मल नहीं हो पाता था। मुझे हाइपोथायराइड था। 100 माइक्रोग्राम की 2 गोलियां रोज लेती थी। डायबिटीज़ की शुरुआत हो चुकी थी। 1 गोली रोज लेती थी। लो हीमोग्लोबिन 8-9 ग्राम तक रहता था। सर दर्द, यूरिन इन्फेक्शन का बार बार हो जाना, उसके लिए कई बार एक्सरे और सोनोग्राफी करवानी पड़ती थी। बार बार एंटीबायोटिक का कोर्स करना पड़ता था। दोनों हाथों के कलाइयों में दर्द रहता था। कार्पल टनल सिंड्रोम, उसके लिए डॉक्टर ने ऑपरेशन की सलाह दी थी। दोनों पैरों के घुटनों में दर्द रहता था। हमेशा नीकैप पहनती थी और बार बार ट्रैक्शन लेना पड़ता था। कमर दर्द, हमेशा हॉट पैड साथ में रखनी पड़ती थी। गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, कब्जियत, 2-3 दिन तक पेट साफ नहीं होता था। उसके लिए 10 किलोमीटर चलती थी, दवाइयाँ लेती थी, फिर भी विशेष लाभ नहीं हुआ। धूप सहन नहीं होती थी। धूप में निकलने पर पाँव के तलियों में जलन होती थी, पाँव में सूजन आ जाती थी। दोनों पैरों के अंगूठों में बार बार फंगल इन्फेक्शन हो जाता था और नाखून निकल जाते थे। हाई कोलेस्ट्रॉल, ये सारी बीमारियाँ तकलीफें थी। जीवन नीरस सा हो गया था। बस जी रही थी, जीवन का कोई गोल उद्देश्य नहीं था। यह भोजन प्रथा अपनाने के 1 सप्ताह में ही मुझे गैस, एसिडिटी, डायबिटीज़ में फ़र्क पड़ा। मेरा वज़न कम होना शुरू हुआ। 3 महीने में 25 किलो वज़न कम हुआ। किसी समय निर्जला उपवास करने पर मेरा वज़न 39 किलो तक पहुंच गया था। मुझे सारी बीमारियों में संपूर्ण राहत है। मेरी सारी दवाइयां बंद हो चुकी है। फिर मैंने चव्हाण साहब की शिविर मुकेश भाई ठक्कर आयोजित सिद्धपुर पाटन में 8 दिन की शिविर की। इस शिविर से मुझे विशेष विशेष लाभ हुआ। सुबह उपवास का समय बढ़ा, एनिमा बराबर लेने लगी, नए और पुराने साधकों के अनुभव सुने। एनिमा लेने में ना ही जल्दबाजी करे, ना ही संकोच करे। एनिमा एनिमा नहीं, मेरी माँ है। इस शिविर में मैं पहले बार साहब जी से मिली थी और साहब जी से मिलने पर मेरे जीवन में इतनी बड़ी घटना घटी। उन्होंने कहा, मुझे तो पता नहीं मुझ में क्या देखा था उन्होंने उस टाइम, तो मुझे कहा था कि पार्वती जैसे तप करो। तो उस समय से
तब सेवा सुमिरन का यह मार्ग है। अभी इसी साल फरवरी में मैंने 30 दिन के निर्जला उपवास किए। निर्जला उपवास मीन्स बहुत से वो पूछते हैं कि निर्जला में पानी पी सकते, नींबू पानी पी सकते, लेकिन निर्जला मीन्स हवा पे ही रहना है। तो 30 दिन के निर्जला उपवास मैंने किए। निर्जला उपवास करने पे मुझे बहुत फायदे तो हो ही चुके हैं, लेकिन उस टाइम मेरी अध्यात्म की वृद्धि बहुत हुई है। ऐसा लगता था कि भगवान के पास में ही हूँ मैं। और 30 दिन के उपवास कैसे मैं कर पाई वो मैं बहुत बार अभी भी सोचती हूँ, मुझे आश्चर्य लगता है। तो वो एक गुरु कृपा, साहब जी की कृपा से ही मैं कर पाई हूँ। निर्जला उपवास के फायदे इतने हैं, उनको मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकती। अद्भुत, अलौकिक है। अगर मैं कहने जाऊँ कह तो कितने दिन निकल जाएंगे वो। और यहाँ समय के मर्यादा के लिए मैं संक्षेप में उसको कहना चाहूँगी। आज हम है ध्यान है, मौन है। हम मौन होना नहीं पड़ता, हम अपने आप मौन हो जाते हैं। और हमारा ध्यान किसी और पे केंद्रित नहीं होता, हम हमारे अंदर के भगवान निजानंद के साथ ही रहते हैं। और उसके साथ ही रहने का हर क्षण उसका हमें संवेदना होती है कि नहीं, ये है, ये है, ये है। तो वो चीज़ मुझे 30 दिन के निर्जला उपवास में मुझे प्रतीत हुई, अनुभव हुआ। 30 दिन के उपवास में मुझे ऐसा लगा मेरा जीवन ही बदल गया। मैं सुलेखा नहीं पर एक निजानंद हूँ, आत्मा हूँ, ऐसा प्रतीत होने लगा। मैं घर पर NDS के साधन, बुक्स, पैम्पलेट, एनिमा पॉट रखती हूँ। ज़रूरतमंदों को मार्गदर्शन करती हूँ। साहब जी की जहाँ पर भी शिविर होती है वहाँ पर हम पति पत्नी जाते हैं और अपना अनुभव शेयर करते हैं। आदरणीय चौहान साहब, सरोज बेन, नए और पुराने साधकों का हम पर उपकार है। यह ऋण हम साधना करके चुका सकते हैं। मैं किसी के काम आऊं ये मेरा सौभाग्य है। सभी यह प्रथा अपनाएं और निरोगी रहें। आज विश्व में करोड़ों लोग ये प्रयोग को अपना रहे हैं और असाध्य रोग जैसे कैंसर है, इस तरह के लोग रोग भी नाबूद हो गए हैं, अच्छे हो गए हैं। उनको जैसे टाटा है, ऐसे हॉस्पिटल में हम जाए देखें तो हम देख नहीं पाते, इस तरह से पेशेंट होते हैं। पर ये प्रथा अपनाने से एक समझ आ जाए हमारे अंदर, हम समझ जाए कि ये चीज़ क्या है और ये हमें क्यों करनी है। बस इतनी छोटी सी बात हम समझ जाए तो हमारा जीवन नया पार हो जाएगी। आज साहब जी हैं, 7 सालों में उनका एक एक सत्संग, वो क्या कहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, उसको ध्यान से सुनना, अप्लाई करना और जीवन में उतारना, यही मैंने किया है। और मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि ये चीज़ को सामान्य से ना ले, हंसी मजाक में ना उड़ाए, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। आज पितामह भीष्म थे तो द्रौपदी ने बोला, आप मेरा चीरहरण हुआ तब आप क्यों नहीं आए। तब उन्होंने कहा कि मैंने दुर्योधन का अन्न खाया है। तो अन्न खाने का कितना परिणाम आता है ये हम देख सकते हैं। धर्म में भी हम उसको देख सकते हैं, जान सकते हैं, क्योंकि ऋषि मुनि सब ये लोग क्यों इस तरह का भोजन लेते थे, हमने कभी सोचा है, कभी विचार किया है क्यों? आज कितने लोग बोलते हैं, हाँ आपको तो क्या, आप दो जने हो तो आपको ऐसा, मुझे कुछ नहीं है, हम दोनों हैं तो भी ऐसा नहीं है, मुझे काम नहीं होता घर में। मेरे भी घर में मेहमान आते हैं, रिश्तेदार आते हैं। आज मैं मुझे साधना वैसे गुप्त होनी चाहिए पर आज बता रही हूँ, मैं 1 घंटा ही सोई हूँ।
एक बजे सीनियों में पूरा काम कर सकती हूँ, इतनी एनर्जी मुझ में है। आज मेरे पति है तो वो बोलते हैं कि अब थोड़ा रेस्ट कर ले, रेस्ट कर ले, पर मैंने कहा मुझे थकान ही नहीं लगती तो मैं रेस्ट किस बात का करूं। आज पंखे पोछना, मालिए पे चढ़ना, आज मेरे पास एक भी काम वाली नहीं है। मैं एक महीने में शादी थी काम वाली की लड़की की, तो छुट्टी पे गई तो मैं कचरा पोता ही कराती थी उससे, और अभी एक महीने से मैं ही घर पे सब पूरा काम करती हूँ। मेहमान भी आते हैं, सभी आते हैं, हमें एक्सक्यूज निकालना आता है कि भाई ये है तो मैं ये नहीं कर पाती, वो है हमारी या मेहमान है तो मैं नहीं कर पाती, पर मैंने इसको सोचा ही नहीं, मुझे करना है तो मैं करके रहूंगी। आज मुझे भी स्ट्रगल करना पड़ा, मुझे भी सुनना पड़ा, लेकिन नहीं, मेरा निश्चय था कि नहीं मुझे ये चीज़ करनी ही है और मुझे मेरा जीवन सुधारना है। मैं अमर पट्टा लेके नहीं आई हूँ, मैं जब मुझे मृत्यु तो मुझे भी आने वाला है, लेकिन मृत्यु से मुझे पहले जो डर था वो डर बिल्कुल नहीं है। आज भी मुझे ऐसा लगता है मैं मेरा मृत्यु आएगा तो मैं हंसते हंसते और धर्म में जीवन जीते जीते, अध्यात्म में जीते जीते जाऊंगी। इसलिए मुझे सभी से यही निवेदन है भी जो भी लेडीज हैं वो थोड़ा अपना उत्साह बढ़ाए, और जेंट्स लोग हैं वो थोड़ा कम उनकी ऊर्जा कम पड़ जाए तो हम उनको साहस दें। आज मेरे पति हैं तो उनको बहुत बार बुरा लगता है कि मैं इतना स्ट्रिक्ट रहती हूँ, पर फिर बाद में वो बोलते भी हैं कि नहीं स्ट्रिक्ट रहा था, आज का दिन मेरा बहुत अच्छा गया। आज वो खुद डॉक्टर है, लेकिन मुझे कोई भी बारे में वो मुझे पूछते हैं कि ये हुआ है तो उसके लिए क्या करना चाहिए, क्या डाइट, तो मैं मेरा सौभाग्य समझती हूँ। मुझे करना कुछ भी नहीं है, कुछ करतापना है ही नहीं। आज ये प्रथा अपनाएंगे तो सब अपने आप होने लगेगा, स्मूथली होने लगेगा। हमें कुछ करना ही नहीं है, हम करने जाते हैं वही प्रॉब्लम है, कुछ करना नहीं है। धर्ममय जीवन है अपने पास, देखो ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे पास पैसा नहीं है, अच्छी जिंदगी है। खाली एक ये रोग के कारण, अभी हम मैं भी स्टार्टिंग में रोग के लिए यहाँ पे आई थी, लेकिन आज मैं अध्यात्म का जीवन जी रही हूँ और मुझे इतना अच्छा। लोग बाग कहते हैं कि तुमको तो फर्क पड़ गया, अब ये इतने निर्जला उपवास करने की क्या जरूरत है, लेकिन ये मुझे इतना आनंद आता है। मुझे जो मिला है वो कभी भी नहीं मिला न मिल पाएगा, वो मुझे मिला है अंतर की शांति, और समझन से ही आएगी। समझ लो, बराबर समझो, मार्ग में चलने में उतावल ना करो, जल्दबाजी ना करो, अच्छी से समझ लो। साहब कितना अच्छी से समझाते हैं, अपना उनका पूरा स्टेमिना अपने लिए, वो अपना जीवन उन्होंने हमारे लिए समर्पित कर दिया है, तो हम उनके बारे में हमारा भी कुछ कर्तव्य है। मैंने 3 साल तक पानी नहीं पिया, करीब जूस पे रहती थी, इसलिए 3 साल तक पानी की ज़रूरत नहीं पड़ी, और 2 दिन निर्जला उपवास और 1 दिन रसाहार, 3 दिन निर्जला उपवास और रसाहार, इस तरह से मेरी साधना शुरू ही है और साधना भगवान की कृपा से शुरू ही रहे, ऐसे मैं आप लोगों से आशीर्वाद चाहती हूँ और धन्यवाद।